हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रश्ना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रश्नाज होम्योपैथिक टॉप सीक्रेट मेडिसिन में। आज टॉप सीक्रेट मेडिसिन में हम होम्योपैथिक होम किट का 6th पार्ट देखेंगे और अब तक के जो 5 पार्ट्स हो चुके हैं पहले से लेके 5वें तक, उन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। आज के पार्ट में सबसे पहली मेडिसिन आती है इग्निशिया। ये मेडिसिन फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम के लिए यूज होती है, यानी कोई भी दुख या अपयश या चिंता जिसके कारण इनको मेंटल या फिजिकल सिम्टम आते हैं, ऐसे सब प्रॉब्लम्स के लिए इग्निशिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। इनको कोई ना कोई एक दबा सा दर्द रहता ही है, दबा सा दुख इनके लाइफ में रहता ही है। इनको रोने का बड़ा मन करता है पर रोना तक नहीं आता है, यानी इनको पब्लिकली रोना नहीं आता है। इनको जब अकेले होते हैं ये हमेशा रोते रहते हैं, इनका दिल बड़ा रोता रहता है और इनका स्वभाव भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। कब क्या करेंगे, कभी बहुत अच्छे रहेंगे, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, या कभी कभी इतने ही अपने दुख में मशगूल रहते हैं कि बहुत बड़ा सा इशू हो जाता है फिर भी वो उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। इनको चिंता और अपयश और दुख के कारण नींद भी नहीं आती है। जमाई बहुत जोरों से तो आती रहती है पर नींद नहीं आती है। इनकी हर प्रॉब्लम कॉफ़ी से बढ़ जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए इग्निशिया ये बहुत ही प्रभावी मेडिसिन है। इसमें अगली मेडिसिन आती है इपिकैकुना, यानी इपिकैक। ये मेडिसिन जो है नाउशिया और वोमिटिंग के लिए, यानी हर प्रकार के नाउशिया के लिए ये दी जा सकती है जिसका हमको कारण नहीं पता होता है, या नाउशिया के साथ हेडेक हो, नाउशिया के साथ खांसी हो, या खांसी के साथ वोमिटिंग हो, या हेडेक के साथ वोमिटिंग हो, या नाउशिया हो यानी जी मचलाना हो, ऐसे कंडीशन में इपिकैक ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये डायरिया हो जिसका ऐसा रंग हो कि जैसे घास होती ना, हरी कलर की घास, फ्रेश घास, उसके जैसा पानी और उसमें बहुत से बड़े बड़े से हरे हरे टुकड़े दिखे, ऐसे टाइप के डायरिया के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और नाभि के आसपास चुभन जैसा दर्द रहता है इनको हमेशा। डायरिया के साथ नौशिया हो तो ऐसे वो डायरिया में नाभि के आसपास दर्द हो तो ये सबसे प्रभावी मेडिसिन है। हेमोराइड हो यानी पाइल्स हो जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ऐसे कंडीशन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी किसी के सोते वक्त आंखें आधी खुली दिखती है, इसके लिए भी ये बहुत प्रभावी मेडिसिन है। और ऐसे ही कंडीशन के लिए, यानी सोते वक्त आंखें खुली दिखे, आधी आंखें खुली दिखे, इसके लिए दूसरी मेडिसिन है सीना। सीना में भी ये सिम्टम देखा जा सकता है। सफोकेटिव खांसी होती है, यानी सांस घुट रही हो, ऐसे दम घुट रहा हो, ऐसी खांसी आए और साथ में नौशिया या वोमिटिंग हो, ऐसे कंडीशन के लिए इपिकैक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें हम अगली मेडिसिन अब देखेंगे इस पार्ट में, काली बिच। इसको कैली बिच नहीं, कैलियम बाइक्रोमिकम। ये जो मेडिसिन है वो नेजल सिम्टम यानी नाक के, थ्रोट के सिम्टम यानी गले के, और लंग्स के यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक के पूरे इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन कही जाती है, जहाँ सिक्रीशन बहुत मोटा गाढ़ा और धागे के जैसा हो, ऐसे खींचे तो एक तार सा बनता जाए, ऐसे कंडीशन के लिए बहुत अच्छी है। यानी नाक से भी अगर सिक्रीशन पीले रंग का आता है और गले से भी जो बलगम है वो भी अगर पीले रंग का आता है और रोपी हो, थिक हो, यानी धागे जैसा लंबा सा हो और पीला हो, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें स्मेल का सेंस भी चला जाता है, यानी सूंघने की शक्ति कम हो जाती है, ऐसा कोरोना में बहुत जनों को हुआ था, या पुरानी सर्दी या पुरानी खांसी जो बलगम के साथ हो, स्पेशली पीले बलगम के साथ, उसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन है।
साइनस के इन्फ्लेमेशन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, यानी साइनोसाइटिस के लिए। ये नाक में किसी किसी के ऐसे बहुत मोटी पपड़ी जम जाती है, जो नेजल सिक्रीशन है वो बहुत जम जाता है और इलास्टिक प्लग बनता जाता है, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाक के पीछे के साइड डिस्चार्ज बहुत जमा रहता है, ऐसा लगता है बार बार उसे साफ करना पड़ रहा है, उसे खींच के मुंह से निकालना पड़ता है, ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बहुत बार सर्दी की वजह से बहुत लोगों की आवाज ऐसे नाक से आती है, पता चल जाता है उनको, हम फोन पे भी सुनते हैं तो तुरंत पहचान लेते हैं कि हाँ तुमको सर्दी हुई है ना, वैसे वैसी आवाज हो जाए सर्दी के साथ, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन लेफ्ट साइड के साइटिका के लिए भी बहुत अच्छी है। और ऐसा कोई पेन हो, जैसे सर दर्द हो रहा है, सर्दी के साथ सर दर्द हो स्पेशली, कभी लेफ्ट साइड को दर्द करे, कभी राइट साइड को करे, कभी माथे पे करे, कभी पीछे करे, माथे के सर के पीछे के साइड, तो ऐसे पेन के लिए जो बार बार जगह बदलता है, ऐसे दर्द के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें अगली मेडिसिन आती है कैलीफोस्फेरिकम, यानी कैलियम फॉस्फेरिकम, जिसे हम कैलीफॉस भी कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिनको मेंटल एग्जर्शन के बाद, यानी बहुत ज्यादा दिमागी काम करते हैं उसके बाद जल्दी थकान हो जाती है, या जो लोग हमेशा पुरानी यादों में ही खोए रहते हैं उसी में उनका ज्यादा समय जाता है, बहुत सोचते हैं और किसी चीज में अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, बार बार चीजें भूलते जाते हैं, कुछ कुछ चीजों के नाम भूल जाते हैं, डेट्स भूल जाते हैं, डे भूल जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। इवन उनको रास्ता तक नहीं पता चलता है कि कल किसी नई जगह पे वो जाते हैं, तो उनको बहुत कंफ्यूजन होता है, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन उन लेडीज के लिए भी बहुत अच्छी है जो जिनको मेंसेस लेट हो जाता है या ऊपर दिन चले जाते हैं, उसके बाद बेचैनी सी रहती है, उदासी सी रहती है, या बहुत ज्यादा काम करने के बाद उनको उनके सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं, यानी दिमागी काम ज्यादा करने के बाद उनके सारे सिम्टम बढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, इनको बहुत ज्यादा मेंटल वर्क करते हैं या बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इस वजह से नींद तक नहीं आती, या फिर कभी कभी आधी रात के बाद इनको नींद आना कम हो जाता है। अब इसमें अगली मेडिसिन है क्रियोसोटम। क्रियोसोटम ये जो मेडिसिन है स्पेशली दांतों के लिए बहुत अच्छी है। दांत आते वक्त बच्चों को अगर तकलीफ होती है या दांत आते से ही तुरंत उसमें सड़न शुरू हो जाती है या उसपे काले दाग आ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये उन बच्चों के जब दांत आते हैं तब उनको चिड़चिड़ाहट होती है, बेचैनी होती है, नींद नहीं आती है और पूरा वक्त वो रोते रहते हैं, ऐसे कंडीशन के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है। स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर किसी को दांत का दर्द हो रहा है तो ऐसे लेडीज के लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, या किसी को कैंसरस अफेक्शन हो जाए, कोई भी कैंसर हो उसमें ये मेडिसिन दी जा सकती है, स्पेशली मुंह का कैंसर हो तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। दांत आते से तुरंत सड़ने लगे या दांत आते वक्त दर्द हो, बच्चे चिड़चिड़ाहट करें, उसके लिए भी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। सेम यही एक मेडिसिन, सेम यही सिम्टम्स के साथ हम कैमोमिला में देखेंगे, पर वो कैमोमिला हम तब देंगे कि ऑलरेडी बच्चा चिड़चिड़ा है और डेंटिशन के दांत आते वक्त उसको और बढ़ जाता है, तो इसमें हम जनरली जो अच्छा बच्चा है, शांत बच्चा है और डेंटिशन के टाइम अगर वो चिड़चिड़ाहट करता है तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। या उन बच्चों के लिए जिनको, छोटे बच्चे जिनको कॉलेरा हो जाता है, ये कॉलेरा इन इन्फेंट, उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पैरों में, एडियो में अगर किसी को क्रैक्स होते हैं, फटी एडिया हो, तो उसके लिए तो हम देते ही है बहुत सारे मेडिसिन है, पर ये पूरे पैर में अगर क्रैक्स हो जाए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी मेडिसिन है।
आशा करती हूँ ये 6 पार्ट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव हो और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिले और आपको फ़ायदा हो। जैसे आपको फ़ायदा हुआ है आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी फ़ायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनमें भी शेयर कीजिए।